हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह मैं ऑलवेज लेट हूँ और हम बस अभी तैयारी कर रहे हैं, निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए। और आज ट्रैवल करेंगे बहुत सारा और जाएंगे हुंजा, लाहौर से हुंजा का ट्रैवल है आज हमारा और ऑलमोस्ट हमारा आज सारा दिन ट्रैवल में ही गुजरेगा इंशाल्लाह। चलो भाई चलते हैं। हम निकलेंगे घर से और घर से निकलने के बाद हम जाएंगे गुजरात और गुजरात जाकर सबसे पहले हम शादी अटेंड करेंगे। उसके बाद हम लेंगे सैफ भाई को और भट साहब को, भट साहब मतलब यासिर भट साहब। फिर हम जाएंगे डार हेड शॉप। गुजरात शहर के सबसे पुराने दूध वाले, ये हमारी टक्की पे पुरानी और अच्छी मेयार की है दूध मिलता है और दही भी, और इसके बाद जो बाद वाली शॉपें देखी हैं वो बाद में बनी हैं सारी। दूध ऐसा कि इसका पहला घूंट लेते ही दिल से आवाज आए वाह। दूध तो अच्छा था ही भाई, लेकिन इस लड़के की खूबसूरती और इसका हुस्न अखलाक दूध से भी हेल्दी था। इतना हेल्दी दूध पीने के बाद गोलगप्पे तो बनते हैं भाई, और वो भी लोडेड। तो हम पहुंचे शाही गोल। ये सर 40 साल से का एक प्लेट जो थी वो 400 रुपए की है, फुल प्लेट जी। हाफ प्लेट 200 की है। इसमें मीठी चटनी होती है आलू बुखारे की, और ये दही का रहता होता है, नेस्ले की क्रीम होती है, और साइलेंट होता है, अंगूर और पाइनएप्पल होता है। पानी हमारा एक किस्म की होता है, इमली वाला पानी, खट्टा पानी इसे कहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इस्लामाबाद के रोड पे हैं, बिल्कुल हुंजा का सफर जारी है हमारा। तो हम पहुंचे हैं अशरफी स्वीट नोना हलवाई के नाम से, ये मशहूर है लाला मूसा की मशहूर सौगात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है, क्या नाम है आपका? काशिफ नाम है। अच्छा, हम यहीं से ट्रैवल कर रहे थे तो हम हुंजा जा रहे हैं, तो रास्ते में गुजरते हुए हमने आपको पता चला कि लाला मूसा की यहाँ पे मशहूर कुछ पेड़े हैं, बर्फी है आपकी। क्या क्या मशहूर आइटम है आपकी? जो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बर्फी भी मशहूर है। ये बर्फी है, ये बर्फी आप इसको हम टेस्ट भी करेंगे। होटल वाल बेटा लेके आओ, कलाकंद भी लेके आओ, सारा लेके आओ। और सर जी आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो भी चीज खाएंगे ना आपको बेस्ट से बेस्ट नजर आएगी। बर्फी नो डाउट फेमस हम बर्फी की वजह से हैं। आप बताया चीज़ें भी इंशाल्लाह टेस्ट करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और हमारी जो आइटम है ना बर्फी की, हम ये सबसे ज़्यादा कहते हैं कि ये फ्रिज में नहीं रखें। अच्छा, आप किसी से भी शॉप लेंगे तो बोलेंगे फ्रिज में रखें, हम प्योर इस्तेमाल करते हैं। बर्फी के अलावा क्या क्या ये सर आपके पास आगे टेस्ट करें? हमारे पास रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रोट हलवा भी है, मोहन हलवा भी है, पतीसे भी हैं, कलाकंद भी है। आप खुद ऑन करते हैं शॉप को? जी जी। तो कितनी पुरानी शॉप है ये? जो पहले बाजार के अंदर थी ये जीटी रोड पे आई है 2010 में, बाजार वाली 1947। नो डाउट आपकी सबसे बेस्ट ये आइटम ये है इनमें से, सब बेस्ट है लेकिन सब में से एक जो है सबसे बेहतरीन जो जायका है वो ये यूनिक है आपका आइटम। अगर किसी ने आपके पास आना हो तो क्या एग्जैक्ट लोकेशन है सीधा रास्ता? सर जी जीटी रोड लाला मूसा मेन रोड पे है, और साथ इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है साथ नादरा ऑफिस है।
नादरा ऑफिस और आगे एक मीटर बाहर है आलम दरबार का, ये मिलकी पेड़ है। जब भी कभी आप इस रोड से आएँ, इस लोकेशन पर आएँ, तो कुछ फ्रूट पाई कर कमाल टेस्ट है। जज़ाकअल्लाह जी, शुक्रिया आपका। हेलो जी, उंजला का सफ़र जारी है, पल पल आपको वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वक्त जीटी रोड पे मेन हम और ये मियां जी होटल है, इनकी दाल के लिए लोग पागलों की तरह पड़ते हैं, ना चरगा, ना कोई और चीज़, ना कोई कढ़ाई, कुछ भी नहीं, इनकी दाल के लिए लोग पागल हैं। ये दाल है क्या, किस तरह बनती है, कौन सा तेल डलता है, क्या डालते हैं, क्या रेसिपी है, और ये कब से ये चल रहा है, और इतना मशहूर दाल की वजह से ये क्यों है, आपसे शेयर करते हैं एक्सपीरियंस भी इनका और रेसिपी भी और टेस्ट भी। आए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल? ठीक है, हम गुजर रहे थे यहाँ से, हमारा उंजला के लिए जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं जी। तो आपके होटल का नाम भी बहुत सुना है, और एक अजीब चीज़ ये सुनी है कि यहाँ पे लोग चरगे खाने, गोश्त खाने और कढ़ाइयाँ खाने, ये टिक्के खाने नहीं आते, दाल खाने के लिए आते हैं। ऐसा क्या है आपकी दाल में कि लोग दाल के लिए पागल हैं और रश देख रहे हैं हम सारा यहाँ? हमारी माशाल्लाह जो है तकरीबन पिछले 60 साल से जो है ना, ये हमारा दाल के वजह से मशहूर हुआ है। देसी घी में जो है ना, टोटली देसी घी इस्तेमाल होता है। अच्छा, पकाने में भी, उसके बाद जो है तड़के में, उसके ऊपर भी जो है ना गार्निश भी उसकी देसी घी। ये देसी घी कहाँ से सोर्स करते हैं आप? हमारा डेयरी है, हमारा अपना। अच्छा, अपना डेयरी है, अपने डेयरी से देसी घी का आता है और उससे दाल तैयार होती है आगे। और इसके अलावा कुछ स्पेशलिटी, ऐसी कोई चीज जो आप दाल में डालते हैं जिनकी वजह से लोग इतना जो है आपकी दाल के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं? कोई खास ऐसी चीज नहीं है, जो हमारी अपनी रेसिपी है, शुरू से जो बुजुर्गों ने जो इधर दी हुई है रेसिपी, उसी रेसिपी के तहत जो है ना बन रही है। कोई ऐसी खास आइटम नहीं है कि जो हम इसमें डाले, लेकिन देसी घी समय लेकिन खास है जिसकी वजह से ये मशहूर है। ये होटल कब से है? होटल तकरीबन 1958 से। और ये दाल कब से बन रही है? उसी वजह से बन रही है, तब से ही दाल बन रही है। ये उतना पुराना होटल है, उतनी पुरानी दाल है। दाल की उम्र तकरीबन कितने साल हो चुकी है, आप खुद काउंट कर लें, 1998 के बाद से। 1958 के बाद से। सॉरी जी। ये दाल है आपकी, ये बिल्कुल इस स्टेज पे तैयार हुई पड़ी है? या तैयार हुई पड़ी, और इसका किसने किया था आपने? बस तैयार पड़ी हुई है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो बेसिक हमने पूछ ली है आपके मैनेजर से, थोड़ा सा आप बता दीजिए अपने होटल के बारे में, एक ओवरऑल जो है ना, एक ओवरलुक दे देना हमें, इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को। ये 1957 में वाले साहब ने शुरू किया था। ओके, माला मूसा में छोटा सा सेटअप लगा के, तो 82 में ये सारा अपना इधर शुरू किया। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो ये सवाल जो मैंने उनसे किया, वही आपसे करूंगा कि लोग कढ़ाइयाँ खाने के लिए नहीं आते, टिक्के खाने के लिए नहीं आते, और सिर्फ दाल खाने के लिए आपकी पागल। और मैंने देखा दाल में घी तैर रहा है, और घी भी आपकी अपनी डेयरी का है। तो यही आपकी क्या वो रेसिपी था, वो सिर्फ एक वो घी राज है, और घी आपका अपना खालस है? या कुछ 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 दिल से भी कुछ करते होंगे ना आपकी दाल में इतना टेस्ट? तो आप जरूर जब भी इस लोकेशन से गुजरे इनको जरूर ट्राई करें। इन तमाम चीजों को चखने के बाद हम सफर करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामाबाद में हमें ये महसूस हुआ कि हमें अब कुछ रात का काफी वक्त हो चुका है, भूख भी महसूस हो रही है, कुछ लाइट सा ही लेना चाहिए, तो हम सेवर में गए। उंजला की तरफ ट्रैवल करने का ये हमारा पहला एपिसोड, हम हैं इस्लामाबाद में, यहाँ से करते हैं आपको कल तक के लिए सी ऑफ, मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में ट्रैवलिंग टू उंजला। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।